हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली, मोटिवेशन स्पीकर, रियल स्टेट ऑथर एंड रियल स्टेट मेंटर। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लिया है। मैं कल कोई किताबें पढ़ रहा था और मैंने कोई वीडियो भी सुने, उसमें से मेरे को याद आया कि मेरे को ये कंटेंट अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए ये मैंने आज वीडियो का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो सिलेक्ट किया है। सबसे पहले हम होलिस्टिक एजुकेशन और उसके बाद प्रोफेशनल है, उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन है। ये स्कूलिस्टिक एजुकेशन कौन सी है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में हमें अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है और ज्योमेट्री होती है, ड्राइंग होती है और कोई सिविक्स पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है। मैंने ये देखा है कि ये हमारे ज़िंदगी में कोई कहीं भी काम नहीं आती, यदि आती भी है तो बहुत कम आती है। मतलब मैं जैसे नौकरी करनी है, नौकरी के लिए अप्लाई करना है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज हो या ना वो बाद की बात है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये जो सिस्टम है हमें डिग्री होल्डर बना रहा है, एजुकेटेड नहीं बना रहा। यदि इस आदमी ने कोई प्रोफेशनल काम शुरू करना हो, जैसे किसी ने प्लम्बर का काम शुरू करना है, किसी ने कार मैकेनिक का शुरू करना है, किसी ने स्कूटर मैकेनिक का शुरू करना है, किसी ने गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किसी ने कोई और काम करना है, तो वो जो ए प्लस बी स्केयर फलाना ढमाक जो है वो कहीं भी काम नहीं आता। सो दोस्तों, ये हमें जो ये स्कूली सिस्टम है ये हमें बेरोजगारी की तरफ धकेल रहा है और इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नहीं बढ़ रहा। तो हमें देखना है कि हमने कौन सी एजुकेशन लेनी है। कितना अच्छा हो यदि गवर्नमेंट इस एजुकेशन की बजाय ये एजुकेशन और ये एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी शुरू कर दे। यदि ये एजुकेशन हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी तो हमारा बचपन से ही कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और हम काम करने के लायक बन जाएंगे। सो दोस्तों, ये जो एजुकेशन है ये ज़्यादा काम नहीं आती, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। और ये दूसरे नंबर की जो एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये क्या है, जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब हमारा दुनिया का साथ पाला पड़ता है तो हम कहीं काम ढूंढते हैं। कोई आदमी कार मैकेनिक बन रहा है, कोई स्कूटर मैकेनिक बन रहा है, कोई प्लम्बर बन रहा है, कोई जॉब में जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, तो ये प्रोफेशन के हिसाब से वो काम सीख जाता है। जैसे मैं बैंक में गया, बैंक में मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, आर्ट्स में की हुई है, तो मेरे को जब बैंक में गया तो उस वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस देखा मैंने, बैलेंस शीट देखी, इंटरेस्ट एप्लीकेशन देखा कि इंटरेस्ट कैसे देना है, किस कैसे हमने चार्ज करना है। वहाँ मेरे को प्रोफेशनल ट्रेनिंग बैंक ने दी, ये ट्रेनिंग ऐसी हुई कि मैं इसके लिए काम करता गया और ये मेरे को दाल रोटी का मेरा जुगाड़ होता गया। तो तीसरे नंबर की एजुकेशन है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसके बिना किसी का भी कोई गुजारा नहीं। जो गृहस्थी आदमी है, जिसका परिवार है, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारी सरकार या हमारे जो समाज है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन की बात ही नहीं की जाती। यदि बात की जाती है तो उस बंदे का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा असेंशियल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है कि कोई आदमी किस तरीके से पैसा कमा सकता है, अपने पैसे को अच्छे तरीके से काम पर लगा सकता है। मनी इज़ एक्सीलेंट सर्वेंट बट बैड मास्टर। एक्सीलेंट सर्वेंट कब बनता है और बैड मास्टर कब बनता है, मैंने ये देखा है मेरे रिश्तेदारों में, मेरे यारी दोस्तों में, मैंने देखा है दो दो तीन तीन एमए करी हुई है और लोग अभी भी बेचारे मजदूरी करने पर मजबूर हैं, और कोई आदमी साइकिल से घूम रहा है, कोई कुछ घूम रहा है। क्यों ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें इन दो एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सो दोस्तों, मैं आपसे ये वीडियो में आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप यदि ये वीडियो देख रहे हो, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो, ताकि हमारे समाज में एक जागृति आ सके कि हमने इस एजुकेशन के बिना हमें इन एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, और इस टॉपिक में कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो इसके लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में।